रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 फरवरी को मुंबई पहुंचकर विक्रोली में चल रहे बुलेट ट्रेन रेलवे प्रोजेक्ट के निर्माण का निरीक्षण किया। इसके साथ ही रेल मंत्री ने परियोजना को लेकर पूरी जानकारी भी शेयर की। उन्होंने बताया कि यह सुरंग 21 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं, आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने 2026 तक बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन खोलने की बात कही। इस चैलेंजिंग काम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को एक आत्मविश्वास दिया है, जिस तरह से नए काम को, चैलेंजिंग काम को लेकर उसे सक्सेसफुल करने की जो प्रेरणा दी है, वो ये प्रोजेक्ट उसकी मिसाल है। ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है, इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी। जो डीपेस्ट पॉइंट है वो करीब 56 मीटर नीचे है और टनल बहुत ही चौड़ी टनल है, 13.9 मीटर, मतलब करीब करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है, जिसमें दो लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन। दो लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी। टनल के अंदर भी 300 किलोमीटर की स्पीड से, 320 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलेगी। सर, कब तक पूरा हो जाएगा? ये काम स्टार्ट हुआ है। देखिए, इस काम में श्री उद्धव ठाकरे जी की जब तक महाराष्ट्र में सरकार थी, तब तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। जैसे ही सरकार बदली, श्री एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र भाई फडणवीस जी ने जब महाराष्ट्र की कमान संभाली, तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर परमिशन दी और उसके तुरंत बाद में सारे काम चालू हुए कंप्लीट, और अब फिजिकल कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। बहुत जल्दी ये भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसको स्पीड अप करने के लिए कुछ इनोवेशंस किए गए। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी टनल बनाते हैं एक साइड से टीबीएम डालते हैं, ताकि वो जब तक टनल बोरिंग मशीन होती है टीबीएम, और वो फिर दूसरी डायरेक्शन से, दूसरे एंड से निकलती है। इसमें कोशिश की है कि काम को स्पीड अप करने के लिए चार जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ है। दो तो शाफ्ट है, एक एडिट है और एक फाइनल एंड है। तो इस तरह से करके चार जगह से काम स्टार्ट होने के कारण काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि देश का ये पहला हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, और जैसे आप अगर देखो, अंदाज लगाओ, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जब जैसे ही गाड़ी आपकी 70 की स्पीड से ऊपर जाने लगती है तो गाड़ी में कितना वाइब्रेशन होता है, आप अंदाजा लगाओ। कार हो, बाइक हो, किसी में भी हो, ये हाई स्पीड रेल चलेगी 320 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। 320 की जब स्पीड से चलेगी तो आप इमेजिन करो उसकी डिजाइन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितनी डिफिकल्टीज होती है। तो ये अपना सबसे बड़ा उद्देश्य इस प्रोजेक्ट में है कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझना कि किस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अपने को ठीक टाइम फ्रेम में करना होता है, उसको समझना, उसकी डिजाइन की कैपेबिलिटी समझना, क्या इक्विपमेंट यूज होंगे, क्या सेंसर्स यूज होंगे, किस तरह की कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी यूज होगी, वो सब समझना और सीखना हमारे लिए सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अपना देश बड़ा देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कई शहर ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या के शहर हैं, मेगा सिटीज बन रहे हैं, उन सबको एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट लो टाइम वाला ट्रांसपोर्टेशन अगर देना है तो अपने को हाई स्पीड कॉरिडोर्स में महारत हासिल करनी पड़ेगी देश को। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं और टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलिमोरा, और उसके बाद में एक एक करके सारे सेक्शंस खोलते जाएंगे। कब तक शुरू होने की संभावना है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम, खासतौर पर हमने देखा
बीते दिनों रेल हादसे हुए, खासतौर पे सुरक्षा के महत्व से ये समझना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत विशेष ध्यान रखे गए हैं। आप जानते हो कि जो शिंकानसेन सिस्टम इसमें लग रहा है हाई स्पीड रेल में, शिंकानसेन सिस्टम वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सिस्टम है और इसके जो करीब करीब इसका एक्सपीरियंस 1969 से अब तक का एक्सपीरियंस है, यानी करीब 50 साल का एक्सपीरियंस है इस पूरे सिस्टम का और दुनिया भर में इसकी पहचान है सेफ्टी की और पहचान है इसकी सुरक्षा की। तो इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से देश में एक नई तरह की नॉलेज बेस बनती है। बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक 4.8 हेक्टेयर भूमि NHSRCL द्वारा प्राप्त कर ली गई है, जहां आने वाले कुछ सालों में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।